हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सो आज हम एक नए टॉपिक के साथ में बात करते हैं। शायद ये टॉपिक अभी मैंने अभी अपने पूरी वीडियोस पर पूरे चैनल पर अपलोड नहीं किया है, और टॉपिक है सलाइवरी ग्लैंड्स के बारे में। तो आप खाना खाते हैं, वो सलाइवरी ग्लैंड्स जो सलाइवा आपको सिक्रेशन करके देती हैं, वो कौन से पेयर्स होते हैं और वो वहाँ पर आपको क्या ज़रूरत पड़ती है, किन बीमारियों में सलाइवा कम सिक्रेशन होता है, किन बीमारियों में सलाइवा का सिक्रेशन बढ़ जाता है, और आपको नॉर्मली सिक्रेशन कितना होना चाहिए, और सिक्रेशन अगर नहीं होता है तो आपको क्या प्रॉब्लम्स आएंगी, क्या आपका खाना जो आप खाते हैं वो डाइजेस्ट होगा प्रॉपर तरीके से? आई थिंक नहीं होगा। सो मैं यहाँ पर लेट स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक और सीखते हैं कि किस तरह से सलाइवा सिक्रेशन होता है, कहाँ पर ओपनिंग होती है, कहाँ पर कौन सी ग्लैंड से ओपन करती हैं, एंड किस लिए ये फीचर है उसने बनाया है। सो लेट स्टार्ट नाउ। सो देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स क्या है। सलाइवरी ग्लैंड तीन पेयर होता है, यानी कि तीन मेन पेयर ग्लैंड्स होते हैं, यानी कि पैरोटिड, मैंडिबुलर, सबमैंडिबुलर। तो यहां पर हमें क्या करना है, पैरोटिड यहां पर है और मैंडिबुलर और सबमैंडिबुलर यहां पर है, ठीक है। तो यहां पर मेन चीज क्या है, ये तीनों ही सलाइवा को प्रोड्यूस करते हैं, यानी सिक्रेशन करती हैं, प्रोडक्शन करती हैं। लेकिन इसकी जरूरत क्या पड़ती है, देखिए इनके अंदर कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं, कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं, कुछ ऐसे तत्व होते हैं, कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं, जो आप कह सकते हैं वो कह लीजिए, लेकिन कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो आप खाना खाते हैं उसे वो डाइजेस्ट करते हैं, माउथ के अंदर ही डाइजेस्ट कर देते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि 20 जो हमने खाना खाया उसका 10 to 20% माउथ के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है। मैं ये नहीं कह रहा कि प्रोटीन हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा, कोलेस्ट्रॉल हो जाएगा, जो माउथ के अंदर पचने वाली, जो डाइजेस्ट होने वाली चीज है वो यहां पर उसे खींच लेती है, राइट। तो इस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, कि जो हम खाते हैं वो माउथ के अंदर भी एब्जॉर्ब हो रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए। लेकिन आजकल की जनरेशन क्या करती है, माउथ में भैया एक सेकंड के लिए जाता है और अंदर गया। नो, आप इस चीज को बंद कर दीजिए, अगर कोई करता है तो इस चीज को तुरंत बंद कर दीजिए। खाना खाते समय कम से कम उसको 32 बार क्यों चबाना चाहिए, उसको 32 बार चबाने का क्यों मौका दिया जाना चाहिए भाई, इसीलिए दिया जाना चाहिए जो आपका सलाइवा है वो प्रॉपर तरीके से मिक्स हो जाएगा, और जो यहाँ पर एब्जॉर्ब वाली चीज़ें हैं जो माउथ में ही एब्जॉर्ब कर ली जाती हैं वो भी एब्जॉर्ब हो जाएंगी। देन उसके बाद में आपका खाना जो डाइजेस्ट है वो प्रॉपर तरीके से होगा और आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, ये सबसे मेन मुद्दा है। अगर आप खाना अच्छे तरीके से चबा चबा के खाते हैं तो आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा। कई पेशेंट्स हैं जल्दी जल्दी खाना खाते हैं तो उसकी वजह से उनको क्या हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन होता है, कब्जी रहने लगती है। ऐसी कौन सी बीमारियां हैं जिनके अंदर सलाइवा का जो सिक्रेशन होता है वो बढ़ जाता है, लेकिन क्यों? सबसे पहले ये समझ लीजिए कि सलाइवरी जो ग्लैंड्स हैं उनका सिक्रेशन बढ़ता है तो उसे हम क्या कहते हैं, देखिए इसे हम कहते हैं साइलोरिया या फिर टाइलिज्म। अगर सिक्रेशन बढ़ता है तो हम इन दोनों टर्म को यूज करते हैं। दूसरी बात ये किन बीमारियों में, देखिए अगर किसी को सिजोफ्रेनिया है तो ऐसी कंडीशन में सलाइवा का सिक्रेशन बढ़ जाता है। इस बीमारी के बारे में हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में अदर टॉपिक्स के साथ में। दूसरी बात, मेंटल रिटार्डेड जो पेशेंट होते हैं, जिनको मेंटल से प्रॉब्लम होती है, मेंटल रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, उनमें सिक्रेशन बढ़ जाता है। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं, उनको भी सलाइवा ज़्यादा सिक्रेशन होता है। आपने देखा होगा जो मेंटल रिटार्डेड होते हैं, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है, जो उनको ना मुँह से लार आता ही रहता है, आप देख लेना कभी भी, और मोस्टली केसेस में। उसके बाद में स्टोमेटाइटिस क्या होता है मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना। आपके लिए क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूँ, स्टोमेटाइटिस क्या होता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। स्टोमेटाइटिस की वजह से भी सलाइवा का जो सिक्रेशन होता है वो बढ़ जाता है, तो ऐसी कंडीशंस में आपका सिक्रेशन जो होता है वो बढ़ जाता है। अब ऐसी कौन सी बीमारियां हैं जिनके अंदर सलाइवा का जो सिक्रेशन होता है वो कम हो जाता है, जैसे सार्कोइड्स हैं, या फिर कोई मेडिसिंस ले रहा है जैसे कि एंटी डिप्रेसेंट है या फिर एंटी हाइपरटेंसिव है, ऐसी अगर कोई ड्रग्स ले रहा है तो हो सकता है उसकी वजह से भी सिक्रेशन जो है वो कम हो जाए। अब हम चलते हैं कि ये इसका नॉर्मल आपको कितना ज़रूरत होती है। जो नॉर्मल सिक्रेशन है हमारे सलाइवा का वो 1 लीटर के आसपास होना चाहिए, 1 लीटर 1.5 लीटर के आसपास नॉर्मल सिक्रेशन जो है सलाइवा का जब हम खाना खाते हैं उस टाइम पर होना चाहिए बॉडी में। लेकिन ये जब हम खाना खाते हैं स्पेशली तब उस टाइम पर ये बढ़ सकता है, जैसे कि 4 to 5, 6 ml, 7 ml भी इवन बढ़ जाता है पर मिनट के हिसाब से। लेकिन जब हम खाना खाने के बाद हम फ्री हो जाते हैं या फिर हम जब सोते हैं तो उस टाइम पे सलाइवा हमारा डिक्रीज होता है सिक्रेशन होने, यानी कि हो सकता है 1 या 2
ml या 3 ml सीक्रेशन हो सोने के समय पे, इससे भी कम सीक्रेशन हो सकता है सोते टाइम पर। सीक्रेशन कम कब हो जाता है? सीक्रेशन कम होता है जैसे डिहाइड्रेशन है, अगर किसी को डिहाइड्रेशन है तो सीक्रेशन कम हो जाएगा, क्योंकि वो बन क्यों रहा है, वाटर जब बॉडी के में कम हो जाएगा तो कम हो जाएगा। या फिर अदर कंडीशन जैसे कोई डिसीज है, एंटी डिप्रेशन मेडिसिन ले रहा है या एंटी सप्रेशन एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन ले रहा है, तो उसकी वजह से भी कम हो जाता है। तो आई थिंक ये वीडियो आपको समझ में आएगा। और खाना खाते समय खाना कम से कम 32 बार तो चबाइए, क्योंकि वो अच्छे से मिक्स होकर सलाइवा और डाइजेस्ट अच्छे तरीके से होगा, प्रॉपर तरीके से डाइजेस्ट होगा, जिससे कि कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम मोस्टली पेशेंट्स को खत्म हो जाती है। सो नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करूंगा हार्ट बर्न के बारे में। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर नहीं किया तो शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक करना। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।